स्लाइडर रॉकर किसी भी ट्रेडिशनल रॉकिंग चेयर की तरह ही आगे पीछे मूव होते हुए स्विंग के ग्लाइडिंग मोशन को भी कंबाइन करता है। पेरेंट्स इन्हें बच्चों को सुलाने के लिए या उन्हें खाना खिलाते वक्त मन बहलाने के लिए खरीदते हैं। अन्य मॉडल्स बड़ों के लिए बनाए जाते हैं जिन्हें बातचीत के समय, बुक पढ़ते वक्त या टीवी देखते समय रॉक और ग्लाइड करना पसंद है। ग्लाइडर रॉकर्स अलग अलग स्टाइल्स में बनाए जाते हैं। कुछ लकड़ी के बने होते हैं जिनमें तरह तरह के कुशन्स लगे होते हैं और कुछ मेटल फ्रेम के होते हैं जो आधा या पूरी तरह अपहोल्स्टर्ड होते हैं। लेजर और कंप्यूटर गाइडेड सॉस की मदद से सूखे वुड को पहले सही डायमेंशंस में कट किया जाता है। इस फैक्ट्री में इसके वुडन मॉडल्स में मेपल, ओक और एश वुड इस्तेमाल किए जाते हैं जो अपनी मजबूती और ड्यूरेबिलिटी के लिए मशहूर है। फिर एक कंप्यूटराइज्ड इंडस्ट्रियल राउटर शेपर टेनन्स बनाता है। टेनन एक तरह का प्रोजेक्शन है जो दूसरे पीस की एक कैविटी में बैठ जाता है जिसे मोर्टिस कहते हैं। दूसरे शेपर की मदद से चार सीट फ्रेम पीसेस को एक साथ आकार दिया जाता है। वर्कर्स टेनन और मोर्टिस को हाथों से एक साथ ग्लू से जोड़ देते हैं और फिर जॉइंट को क्लैंप कर देते हैं। ग्लू के सूख जाने पर इन जॉइंट्स को अलग करना नामुमकिन हो जाता है। ग्लू के सूखने पर सीट फ्रेम को अगले प्रोडक्शन फेज में भेजा जाता है जहां एक और ऑटोमेटेड राउटर शेपर इसे आखिरी बार शेप देता है। अब वुड की सतह को तरह तरह के फाइन सैंड पेपर से स्मूथ किया जाता है। अब इसमें होल्स की एक सीरीज बनाई जाती है जिसमें आर्म रेस्ट और चेयर का पिछला हिस्सा जोड़ा जाएगा। यहाँ प्रिसिशन बहुत मायने रखता है। वर्कर्स इन पीसेस को कस्टम मेड असेंबली जिग के जरिए असेंबल करते हैं ताकि ये जोड़ने से पहले सही पोजीशन और एंगल पर रहें। अब इसमें मल्टी पोजीशन मैकेनिज्म अटैच किया जाता है। इससे ग्लाइडर रॉकर को छह तरह के कंफर्ट पोजीशंस में लॉक होने में आसानी होती है। इस हिस्से को ट्रैमो कहते हैं जो एंगल को कंट्रोल करता है। चेयर के आर्म्स पर लगी बॉल बेयरिंग्स स्मूथ ग्लाइडिंग मोशन में मदद करती हैं। ये ठीक तरह से लगने पर लंबे समय चलती हैं। वर्कर्स अब उन हिस्सों को जोड़ते हैं जो रॉकिंग ग्लाइडिंग मैकेनिज्म में मदद करते हैं। आखिर में सीट फ्रेम को नीचे स्लाइड करके उसे मल्टी पोजिशन मैकेनिज्म में जोड़ दिया जाता है। चेयर के सही काम करने के लिए ये जरूरी है कि उसका फिट भी सही हो। तब तक अपहोल्स्ट्री डिपार्टमेंट में काम शुरू हो गया है। यहाँ अलग अलग तरह के स्टाइल और कलर्स के फैब्रिक मिलते हैं। वर्कर्स सीट कवर फैब्रिक के ढेर सारे लेयर्स किसी एक मॉडल के लिए एक के ऊपर एक रख देते हैं और इन्हें एक साथ एक बार में कट करते हैं। ये लेयर्स एक टेक्सचर्ड रबर मैट पर रखे जाते हैं जिसे वैक्यूम प्रेस के जरिए पकड़ा जाता है ताकि कंप्यूटराइज्ड कटर से इसे आसानी से काटा जा सके। पीसेस के कट होने पर वर्कर्स जिपर्ड सीट कुशन सी देती है। ये कुशन सिर्फ एक फोम का ब्लॉक नहीं है बल्कि ये एक ट्रिपल डेकर सैंडविच है जो दो तरह की डेंसिटी वाले फोम को मल्टी लेयर्ड पॉलिएस्टर फाइबर से जोड़कर बनाया गया है। फाइबर कुशन को ज्यादा गहरापन और स्मूथनेस देता है। अलग अलग फोम्स कंफर्ट और ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। प्लास्टिक रैपिंग का कोई खास महत्व नहीं, ये सिर्फ वैक्यूम सिस्टम का एक हिस्सा भर है। ग्लाइडर रॉकर में बैठना एक आरामदायक एक्सपीरियंस होता है। अपने आप को फायरप्लेस के आगे इमेजिन कीजिए। आपके पैर ग्लाइडिंग ऑटोमन पर रखे हुए हैं। आपकी पीठ को एक लंबे दिन के बाद आराम मिल रहा है, पढ़ते हुए, म्यूजिक सुनते हुए या फिर यूं ही बैठे हुए ख्यालों में खोए हुए।